है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप देख सकते हैं मेरे पीछे कैसे कपड़ों का भंडार चारों तरफ फैला हुआ है और बाकी सारे चीज़ें भी हैं पीछे की तरफ। तो आप सोच रहे होंगे कि ये चारों तरफ ऐसा क्यों गंदा करके रखा है घर को, और टाइटल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये क्यों ऐसा हुआ है। तो मैं आपको बता देती हूँ, एक्चुअली हम लोग जाने वाले हैं एक छोटे से वैकेशन पे। मतलब इस साल पूरा साल मतलब हम कहीं पे भी नहीं गए, इसलिए हमने सोचा कि ये साल ख़त्म हो जाए उससे पहले थोड़ा कहीं घूम के आते हैं। तो हमने प्लान किया कि अभी आदि का तो एग्ज़ाम ख़त्म हो गया और दूसरा एग्ज़ाम होने में अभी टाइम है, तो इसलिए हम जा रहे हैं थोड़ा घूमने। तो हम कहाँ पे जा रहे हैं वो आप थोड़ा गेस कीजिए। मतलब जो मेरे फ्रेंड्स जो मुझे जानते हैं पर्सनली वो तो जानते ही हैं मैं कहाँ पे जा रही हूँ, लेकिन जो फ्रेंड्स नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूँ, हम जा रहे हैं गोवा। तो काफ़ी सारे फ्रेंड्स बोल रहे थे कि अभी क्यों प्लान किया, दिसंबर में करना चाहिए था, दिसंबर में बहुत अच्छा होता है। तो पता है दिसंबर को अगर हम जाते तो अच्छा होता, लेकिन दिसंबर में बहुत ज़्यादा भीड़ भी हो जाती है, इसीलिए हमने सोचा कि नहीं अभी जाते हैं, अभी थोड़ा घूम के आ जाएंगे 5-6 दिन। तो इसीलिए मैं सारा पैकिंग कर रही हूँ, आज पैकिंग कर रही हूँ, कल हमें जाना है। आज 24 नवंबर और हमें जाना है 25 नवंबर रात को जाना है, तो इसीलिए अभी मैं पैकिंग कर रही हूँ। तो मैं कहीं पे घूमने के लिए हम जब जाते हैं तो मैं कैसे पैकिंग करती हूँ मेरा सामान, वो थोड़ा मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, इसीलिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो आपको मैं दिखा देती हूँ पहले मैं क्या क्या सामान ले रही हूँ और कैसे करके उसको पैक करूँगी बैग में, वो मैं दिखा देती हूँ। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि हम कितना बैग लेके जा रहे हैं। एक मिनट। तो ये है हमारा बैग, दो ट्रॉली बैग है और ये दो छोटा छोटा बैग है। मैं मतलब ज़्यादा सामान लेके नहीं जा रही हूँ क्योंकि ज़्यादा सामान लेके जाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो इसीलिए मैं कम से कम सामान लेने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जितना ज़रूरत है उतना तो लेना ही पड़ेगा। और क्या क्या सामान मैं ले रही हूँ वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। सो पहले हम आते हैं कपड़ों की तरफ। कपड़े सारे मैंने यहाँ पे फोल्ड करके रख दिया है। ये सारा ये मेरा है और ये मेरे हस्बैंड का है और ये सब आदि का है। और कपड़ों को मैंने मतलब पैंट और टॉप, मतलब किस पैंट के साथ कौन सा टॉप पहना है इसको पेयर करके पहले से ही रख दिया है ताकि बाद में मुझे कोई परेशानी ना हो, मैं निकाल लूँ और पहन लूँ। सो ये सारा रहा कपड़ा। और ये एक स्लिंग बैग है, ये मैं लेके जा रही हूँ और इसमें सारा मतलब छोटा छोटा सामान, कॉस्मेटिक्स ये सब मैंने रखा है। ये जो सारे बॉडी लोशन, टोनर, एलोवेरा जेल और ये कोकोनट ऑयल है, ये सारा सामान मैं इस बैग के अंदर डाल दूँगी। इसमें मैं शैम्पू भी लेके जा रही हूँ, शैम्पू कंडीशनर का पाउचेस है छोटा छोटा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा तो बैग में जगह नहीं होगा इसीलिए। और ये टिश्यू पेपर लेके जा रही हूँ, कॉटन, और ये एक साबुन है, और ये सारे मेरे 3 लिपस्टिक ले रही हूँ सिर्फ, ज़्यादा नहीं, 3 लिपस्टिक। और एक ये वाला है, ये लिक्विड सिंदूर है, और ये लाइनर, और ये शैम्पू, ये सारा जो छोटा छोटा सामान है इसको मैं इसके अंदर पैक करूँगी। और ये घड़ी है, ये मेरा है, ये आदि का और ये उसके पापा का है। और मैं स्ट्रेटनर भी लेके जा रही हूँ, पता नहीं टाइम मिलेगा कि नहीं, अगर मिलेगा तो थोड़ा सा स्ट्रेटनिंग भी करूँगी हेयर को। और ये है चार्जर और ईयरफोन, ये पावर बैंक है और ये कॉम है। और इस जरी के अंदर मैं दिखा देती हूँ, इस जरी के अंदर थोड़ा ड्राई फ्रूट्स है, मतलब जाएंगे रास्ते में तो थोड़ा भूख लगेगा तो खा लेंगे, और क्योंकि आदि साथ में है उसको तो भूख लगेगा। बाहर जो खाना मिलता है वो आदि थोड़ा नहीं खाता है, इसीलिए वो जो खाता है इसलिए मैं वही सारा मतलब केक, बिस्किट और ये थोड़ा स्नैक्स, नमकीन का ये सब सारा सामान लेके जा रही हूँ। और ये हैट है, ये मेरा मतलब पुराना वाला हैट है। सारा कपड़ा पैकिंग करूँगी, अगर उसके बाद कोई जगह बचा तो मैं इसको साथ में लेके जाऊँगी, नहीं तो नहीं, इसको छोड़ दूँगी यहाँ पे। तो ये था मेरा सारा पैकिंग का सामान, मैंने यहाँ पे मतलब फोल्ड करके रख दिया है क्योंकि मुझे पैकिंग करने में आसानी होगी, ताकि नहीं तो चीज़ें मतलब इधर उधर ढूंढ ढूंढ के पैकिंग करने में कोई चीज़ छूट भी जाएगा, इसलिए मैंने पहले से 2 दिन पहले से मैंने लिस्ट बना दिया है। लिस्ट के हिसाब से मैं यहाँ पे सारा सामान रख दी हूँ। सो मुझे जितना सारा सामान याद था मैंने रख दिया, बाकी अगर कुछ बाद में याद आएगा तो उसको पैक कर लूँगी।
और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हम सभी हैं क्योंकि हम पहली बार जा रहे हैं गोवा, इससे पहले नहीं गए, ये फर्स्ट टाइम है। और वहाँ पे जाके मैं वीडियोस भी ज़रूर बनाऊंगी आप सबके लिए, आप सबके साथ शेयर भी करूंगी। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा वो गोवा वाला व्लॉग का वीडियो देख के कैसा लगा, और मैं कोशिश करूंगी कि अच्छा ही वीडियो बनाऊं। अभी नया नया ट्राई कर रही हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा पता है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि अच्छा वीडियो बनाऊं, पोस्ट करूं ताकि आपका भी एंटरटेनमेंट हो जाए, उसको देख के आपको मज़ा आए। सो ये था मेरा आज का व्लॉग, और मिलती हूँ मैं आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में जो कि होगा गोवा का व्लॉग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, और ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एंड मिलती हूँ मैं आपको बाद में, टिल देन बाय बाय।